क्या इसीलिए इस आइकॉनिक हिस्टोरिकल फिल्म को शाहरुख ने कर दिया था रिजेक्ट? क्या यही वजह है कि शाहरुख खान ने इस फिल्म से अपना पर्दा झाड़ लिया था? दरअसल बात हो रही है संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी की। शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि पेशवा बाजीराव का आइकॉनिक किरदार रणवीर सिंह से पहले शाहरुख खान को ऑफर किया गया था, लेकिन जब शाहरुख ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया तब यह आइकॉनिक किरदार रणवीर के झोली में जा गिरा। लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके चलते शाहरुख ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था? दरअसल एक हालिया इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि जब संजय लीला बंसाली ने उनके सामने मुंडन करने का प्रस्ताव रखा तो वो इस किरदार से पीछे हट गए। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन कतई अपने बाल नहीं कटवाएंगे किंग खान। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।